ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के दौरे पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों भ्रष्टाचार और कुशासन के स्वामी रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि में सुधार हुआ और वहीं दुनिया में भी सुधार हुआ है। तेलंगाना के लोग कांग्रेस के दमन को कभी नहीं भूलेंगे, वे कांग्रेस को कभी माफ भी नहीं करेंगे। जहां तक बीआरएस का सवाल है, तेलंगाना बनने के बाद राज्य पिछड़ा हुआ है, जबकि केसीआर के परिवार आगे बढ़ गया। तेलंगाना की जनता कभी भी कांग्रेस के इस दुष्चक्र में और जिस तरीके से उन्होंने जनता को दबाने का प्रयास किया था, उसको भूलने वाली नहीं है और कांग्रेस को कभी भी तेलंगाना की जनता माफ करने वाली नहीं। जहां तक बीआरएस का सवाल है, ये तेलंगाना राज्य समिति के नाम पर तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद तेलंगाना पीछे रह गया और केसीआर का परिवार आगे बढ़ा, यही लक्ष्य लेकर 10 साल से काम किया है और परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और वंशवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा तक पहुंची है जिसका चीता जागता और उदाहरण कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, जो केसीआर के लिए एक एटीएम बन गया है। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 1,20,000 करोड़ का हो गया है। और उसी तरीके से धरनी पोर्टल, वो आज हरनी पोर्टल बन गया है और गरीबों की जमीन को हड़प कर और श्यामलाल की भूमि को हड़प कर, गांव की भूमि को हड़प कर, और वह पैसे वाले लोगों को बड़े ऊंचे दाम पर और पैसे कमाकर कमीशन पर उसको बेचने का काम चला है। जो तेलंगाना के किसान हैं, वो कभी भी बीआरएस को माफ नहीं करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।